हेलो, वेलकम टू पढ़लो इंडिया। आज हम एक जो ये हमारा वीडियो है, इस वीडियो में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है इसके बारे में जानेंगे। कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसे इन जनरल हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और एक दो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इन क्वेश्चन के थ्रू ये समझना कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पूरा वीडियो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ही है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट नेट डिस्पोजेबल इनकम, कैलकुलेट नेट डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये हमारा डेटा दिया हुआ है, जो पूरा हमारा टेबल है ये इस टेबल से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और इसके अलावा क्या निकालना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी हमें इससे निकालना है। तो दो चीज हमें निकालना है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जब भी इस टाइप का नेशनल इनकम अकाउंटिंग से क्वेश्चन रहे तो फॉर्मूला पूरी तरह याद रहना चाहिए। ठीक है, जितना भी फॉर्मूला है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिससे जो भी आइडेंटिटी फॉर्मूला है वो अच्छे से याद रहना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला याद रखना सफिशियंट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 95% केसेस में क्या होगा कि अगर फॉर्मूला तुम्हें याद है तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि फॉर्मूला तो जरूरी है बट उसके अलावा क्वेश्चंस में ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें सारे जो कंटेंट है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे फॉर्मूला में कहीं पे गिवन हो। ठीक है, हो सकता है तुम जो फॉर्मूला पढ़े हो, जो फॉर्मूला बुक में है, उसमें इसमें से 10 में से 8 चीजों का डिस्कशन तो है बट 2 चीज का जिक्र नहीं है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम अपना लॉजिक लगाएंगे कि एक्चुअली जो फॉर्मूला बनता है वो क्यों बनता है। अगर वो हम समझ जाएं तो कोई भी अगर नया कंटेंट भी आएगा तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि फॉर्मूला कैसे बना उसके पीछे की थियरी को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए थियरी जब अच्छे से ग्रिप में रहे उसके बाद हम फॉर्मूला याद करेंगे और उसके बाद जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है और हमें निकालना है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो चलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। ठीक है, अब जो हमारा डेटा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये था एनडीपी, जो हमारा पीछे गिवन है। तो ये क्वेश्चन बड़ा है, स्लाइड थोड़ा इधर आगे पीछे जाना पड़ेगा बट ये देखो एनडीपी एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से हमारा सारा कुछ स्टार्ट होगा। तो इसको इस्तेमाल करते हुए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करते हैं। तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पूछ रहा है हमसे, डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल इनकम में क्या अंतर है ये हम लोग बार बार थियरी में देख चुके हैं। डिस्पोजेबल वो होता है, डिस्पोजेबल जहां भी वर्ड लगा तो डिस्पोजेबल का मतलब है ऐसा इनकम जिसको हम खर्चा कर सके। तो ये हमारा एनडीपी एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है ये तो हमारा टोटल आउटपुट है बट इसमें सारा कुछ तो हम खर्च नहीं कर सकते हैं, इस इनकम का बहुत अलग अलग जगह पे भी इस्तेमाल होता है। तो इससे कई चीज हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और कई चीज ऐड भी करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन के अनुसार एक चीज जो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है टू, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम का क्या मतलब है, नेट फैक्टर इनकम का यही मतलब होता है कि फैक्टर इनकम का आइडिया यही है कि बहुत सारे ऐसे हमारे देश के लोग हैं जो कि फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं, उसी तरह बहुत सारे फॉरेनर हमारे देश में आके काम कर रहे हैं। तो जब हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे देश के आदमी है उनका इनकम को हम इंक्लूड करें जो कि बाहर में जाके काम कर रहे हैं, और जो बाहर के आदमी हमारे पास आके काम कर रहे हैं उसके इनकम को हम लोग को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अब देखो दो टर्म होता है, एक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है और एक टू अब्रॉड होता है। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रहेगा मतलब कि ओवरऑल जो हमारे देश के आदमी है बाहर में वो कितना कमा के दे रहे हैं माइनस हमारे देश के अंदर बाहरी कितना कमा रहे हैं। तो जब फ्रॉम अब्रॉड होगा तो ये साइन हमारा प्लस होगा, लेकिन जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो इसका मतलब नेट बेसिस पे अल्टीमेटली फाइनली कितना पैसा हमारे देश से बाहर निकल रहा है इसको टू दिखता है, उसको हम लोग टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब बाहर निकल रहा है तो माइनस होगा, इसीलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब देखो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों चीजों को हम लोग को एड कर देना पड़ेगा क्योंकि ये सारा चीज एनडीपी एफसी में इंक्लूडेड नहीं होता है।
इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये भी तो देश में ही रहता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, तो इसीलिए हमारा जब पूरा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होगा। और नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड की कोई भी जो गिफ्ट वगैरह बाहर से हमारे देश को भेजता है उसको भी तो हम लोग उस इनकम को भी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसीलिए वो भी ऐड हो जाएगा। अब देखो टेबल से जाओ, साइन ध्यान रखो और सबको पुट कर दो। एनडीपीएफसी जाके टेबल में देखोगे ये है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50 है, माइनस है, माइनस हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 है, प्लस 100 हो गया। अब नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड देखो पिछले ग्राफ में हमारा माइनस में है, देखो माइनस 20। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड क्या है हमारा? माइनस 20। तो इसीलिए हमारा ये जो हमारा साइन होगा ये प्लस तो रहेगा बट प्लस के बाद माइनस 20 जुड़ेगा, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस आ जाएगा और जब कैलकुलेट करोगे तो फिर ये तुम्हारा सम हो जाएगा। और उसके बाद कैलकुलेट करने में भी ध्यान रखना, कभी कभी होता है बहुत बार कि 10-20 इधर उधर हो जाता है, तो प्लस माइनस का खेल है, वो सब केयरफुली करना, तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा पर्सनल डिस्पोजिबल इनकम। अब हम नेट नेशनल डिस्पोजिबल पूरे देश से आके कहां पे आ रहे हैं, एक पर्सन के पास कितना नेशनल डिस्पोजिबल इनकम होगा वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो फिर इसमें हम चलेंगे, स्टार्टिंग हमारा जो बिगिनिंग पॉइंट होगा हमेशा एनडीपीएफसी से होगा। उसके बाद देखो अब पर्सनली डिस्पोजिबल इनकम का बात कर रहे हैं, समझना है, तो अब हमको क्या घटाना है, क्या क्या ऐड करना है, ये लॉजिक पे ही काम करेगा। तो देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट जा रहा है, तो अब ये पर्सनल डिस्पोजिबल इनकम से घटेगा या इसमें जुड़ेगा? घटेगा, क्योंकि ये हमारा ही पास से तो टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा चला जा रहा है ना, तो जब हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको माइनस कर देंगे। उसी तरह अगेन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जब टू है तो हमको घटा देना है पर्सनल डिस्पोजेबल में भी, इसको इसके आगे देखो माइनस लगा दिए। उसके बाद करंट ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट, बाय मतलब गवर्नमेंट से हमारे पास कितना करंट ट्रांसफर आ रहा है, तो जब हमारे पास आ रहा है हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल की बात कर रहे हैं तो ऐड कर देंगे। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम जैसे ही आए ऐड करना है, टू आए माइनस करना है, ध्यान है हम लोग को, तो बाहर से कितना पैसा आ रहा है मेरे पास वो भी ऐड कर देंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, नेशनल डेट इंटरेस्ट। अब देखो कई बार क्वेश्चन में ये सब टर्म नहीं रहेगा बट कई बार ये सब टर्म रह भी सकता है, तो जब आए तो उस टाइम पे हम लोग को किस तरह से इसको हैंडल करना है। तो देखो नेशनल डेट इंटरेस्ट का यही मतलब होता है कि पूरे देश में कितना कर्ज है, ठीक है। अब जब कर्ज है तो वो हमारे पास भी है, एक आदमी के पास भी कर्ज रहता है, बट कर्ज लेके भी हम लोग उसको इस्तेमाल तो करते हैं उस इनकम को, मतलब उसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम तो बोल ही सकते हैं। अब हम किसी से कर्ज लिए तो उसको खर्च तो कर ही सकते हैं, तो इसीलिए ये भी ऐड हो जाएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स, ये देखो पर्सनल आदमी के पास आएगा नहीं आएगा, ये कॉर्पोरेशन मतलब कंपनीज की बात करें तो पर्सनल डिस्पोजेबल से इसको माइनस कर देंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट कमा के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है और कंपनी अपने पास ही रख ले रहा है। अब जब कंपनी अपने पास रख ले रहा है तो मेरे पास तो आएगा नहीं, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और माइनस पर्सनल टैक्स, अब जो टैक्स है टैक्स जितना हमको पैसा देना है उसको तो कंज्यूम कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये भी हमारे डिस्पोजेबल इनकम से घट जाएगा। तो इसी तरह ये सारे टर्म को देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या टर्म है, सबसे पहले टर्म पे ध्यान देना है, फिर ध्यान देना ये प्लस होगा या माइनस होगा। पर्सनल टैक्स माइनस होगा क्योंकि हमारे पास से निकल के गवर्नमेंट के पास चला जाता है, ये सारे का टेबल से वैल्यू पुट करोगे, साइन के अकॉर्डिंगली पुट करोगे, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट प्राइवेट इनकम। अभी हम लोग पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल देख रहे थे, प्राइवेट इनकम देख रहे थे, फिर अगर प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद कर लिए उसके बाद फिर हम जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन पूरे फॉर्मूला पे फिट बैठ जाए, तो उस केस में हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि टेबल में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है और इसमें कौन कौन से चीज हमारे लिए रेलिवेंट है और कौन कौन सा नहीं है। तो देखो प्राइवेट इनकम में क्या क्या, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बिल्कुल रेलिवेंट है, फॉर्मूला जाके एकदम देखना, फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। पर्सनल टैक्सेस बिल्कुल इंक्लूड होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ये भी होगा, अभी डिस्कस करेंगे क्यों, और ये भी डिस्कस करेंगे क्यों। देखो प्राइवेट इनकम मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी हमारे पास जितना पैसा है वो तो है ही है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अच्छा ठीक है, तो फिर प्राइवेट इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या अंतर है, दोनों तो नाम से यही लग रहा है कि हमारे पास कितना इनकम है जिसको हम लोग खर्चा कर सकते हैं। तो देखो पर्सनल डिस्पोजेबल का मतलब होता है ऐसा पैसा तुम्हारा इनकम जो कि तुम खर्च कर सकते हो, बट प्राइवेट इनकम का मतलब ये नहीं होता है कि तुम खर्च कर ही लोगे, ये तुम्हारे पास आ तो रहा है बट इतना तुम खर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें से
कई बार तुमको गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देना पड़ता है। तो जब प्राइवेट इनकम में से हम लोग टैक्स वगैरह जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बचता है, लेकिन जब हमको प्राइवेट इनकम निकालना है तो फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो हमारे पास बचता है वो तो है ही, बट इसके अलावा और भी मेरे पास जो पैसा आया था जो हम टैक्स वगैरह के रूप में दे दिए वो सब भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखो इसमें हम लोग ऐड किए सबसे पहले पर्सनल टैक्सेस, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे अल्टीमेटली ये हो जाएगा कि जो प्राइवेट का जो कॉर्पोरेट का जो मालिक है ठीक है वो भी अब हमारा एक पर्सनल एंटिटी बन जाएगा, ठीक है, तो उसका भी जो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट टैक्स उसको देना पड़ रहा है वो भी जब प्रॉफिट टैक्स ऐड करेंगे तो कहां चले जाएंगे, टोटल इनकम पे, और जब हमको डिस्पोजिबल में आना होता है तो माइनस करना पड़ता है। तो देखो यही देखना है कि अगर हमको डिस्पोजिबल इनकम से सिर्फ इनकम में जाना है तो सारे टैक्सेस को ऐड करेंगे, इसलिए क्योंकि ये हमारा टोटल इनकम था, टैक्स उसके बाद हम दिए लेकिन हमारे पास इनकम था, तो जब इनकम था तो अगर डिस्पोजिबल इनकम से इनकम के पास जाएंगे तो सारा कुछ ऐड करेंगे। इसी तरह रिटेन्ड अर्निंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशन भी ऐड करेंगे, सारा जो टर्म गिवन है इसको सारे को ऐड कर दो, देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जब हम लोग प्राइवेट इनकम की बात करें तो नेशनल डेट इंटरेस्ट हमारे लिए इंटरेस्ट का नहीं है, तो इसीलिए इसको हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो कई बार ऐसा भी होगा कि जो भी टेबल में सारा डेटा है इसमें से कुछ डेटा ऐसा रह सकता है जो कि हमारे काम का ना हो, और ऐसा जानबूझ के दिया जाता है कि तुम्हारे कंसेप्ट को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना और लॉजिक लगाना, ये सब बनते जाएगा। अगेन फॉर्मूला ज्यादा है इकोनॉमिक्स में, फॉर्मूला ग्राफ का ही मैक्सिमम खेल है, तो फॉर्मूला एकदम हमेशा याद रहना चाहिए। अब इसके बाद देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लायर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखो भाई इन्वेस्टमेंट में 1000 करोड़ का इंक्रीज हुआ और उससे हमारा इनकम कितना बढ़ गया, 5000 करोड़ नेशनल इनकम में इंक्रीज हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट के एक यूनिट चेंज से इनकम में कितना यूनिट चेंज होता है, यही हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, यही मल्टीप्लायर का आइडिया है। तो जब हम टोटल मल्टीप्लायर देखेंगे तो हम चेंज इन इनकम, टोटल चेंज इन इनकम को चेंज इन इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो चेंज इन इनकम कितना है हमारा 5000 और हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 1000, डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर आ गया 5। इसी तरह मल्टीप्लायर का सिंपल क्वेश्चन आएगा। मल्टीप्लायर का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का वो लगेगा। बोलता है द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी इक्वल टू 0.6 दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/1 - c, जहां पे c क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 1/1 - MPC हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.6 पुट करो, ये आ जाएगा 1/0.4, इसको डिवाइड करो आंसर आ जाएगा 2.5। तो मल्टीप्लायर का सिंपल सा क्वेश्चन होता है और ये सब काफी स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, इसको छोड़ना नहीं है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे क्या गिवन है और क्या निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी इक्वल टू 0.9 दिया हुआ है और आई हमारे पास दिया हुआ है। तो एग्रीगेट जो हमारा इनकम होता था, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू वाई, ये हमारा आइडेंटिटी होता था जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई और ये हमारा नेशनल इनकम यहां से निकलता था। इक्विलिब्रियम पे क्या होता था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, वाई का क्या फॉर्मूला होता है C+I, पर है जब गवर्नमेंट और ट्रेड ना हो तो वाई इक्वल टू C+I होता है, जब गवर्नमेंट आ जाता है तो वाई इक्वल टू C+I+G हो जाता है, और जब इसमें फिर ट्रेड भी आ जाता है तो C+I+G+MX या NX, मतलब नेट एक्सपोर्ट, बट जब ना एक्सपोर्ट दिया है और ना गवर्नमेंट दिया हो तो हमारा वाई इक्वल टू C+I होता है। यहाँ पे कहीं पे एक्सपोर्ट का चर्चा किया है, कहीं नहीं किया है। गवर्नमेंट का कहीं चर्चा किया है, जी वगैरह ये सब टैक्स वगैरह कहीं दिया है, नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया है तो हमारा सिंपल वाई इक्वल टू C+I होगा। अब ये जो सी था इसको हम लोग और ब्रेक करते थे, C=C^(c)y होता था, जहां पे ये हमारा क्या था ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, और ये सी क्या होता था एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये क्या था हमारा इनकम था। पुट करेंगे y इक्वल टू
सी बार प्लस जो स्मॉल सी है उसको यहाँ पे स्मॉल बी लिख दिया है, कोई बात नहीं है, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है अपना अपना, बट अगर तुमको कहीं लिखना हो स्मॉल सी लिखो, और प्लस आई वाई इक्वल टू सी बार दिया हुआ है क्या, देखो तो सी बार क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है, जब हमारे पास कोई इनकम ना हो फिर भी हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, देखो पार्ट वन में हमारा यही दिया हुआ है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम। तो जब ये जीरो इनकम क्या दिया 60, तो सी बार हमारा क्या हो गया 60। ये जो बी है हमारा क्या दिया हुआ है 0.9, वाई को वाई ही छोड़ देंगे, और प्लस आई क्या दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 100 कर दिया। ये देखो हमारा इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व कर दो, कुछ नहीं करना है, इस वाई को इधर लेके चले जाओ, तो वाई माइनस 0.9y इक्वल टू 60 प्लस 100, 0.1y इक्वल टू 160, y इक्वल टू 1600, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया जहां पे हमको इनकम निकालना है। अब देखो ये इसमें देखो अब गवर्नमेंट आ गया, क्यों गवर्नमेंट आ गया, कैसे पता चल गया, क्योंकि अबाउट ए गवर्नमेंट बजट दिया हुआ है। कोई बात नहीं है, हम लोग को क्या क्या निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तीनों का फॉर्मूला याद रखो, देखो क्वेश्चन झट से बन जाएगा। टेबल देखो, टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है, कैपिटल रिसीट, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बोरोइंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारा कुछ दिया हुआ है। देखो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, सिंपल फॉर्मूला है। रिसीट में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों आ जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर में और रिसीट में, कहीं भी अगर टैक्स दिया हुआ है देखो रिसीट में, तो जो टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है या नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे। सीधा टेबल से उठाओ 80 माइनस ये तुम्हारा टैक्स प्लस नॉन टैक्स 47 प्लस 10 ये निकल जाएगा। देखो पीछे क्वेश्चन में जाके देख लो स्लाइड में, ठीक है। देखो टैक्स रेवेन्यू 47 है, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10 है, ये तुम्हारा टोटल क्या हो गया, टोटल रिसीट हो गया गवर्नमेंट का, फॉर्मूला याद करो। और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है 80, ठीक है, तो 80 माइनस 57 23। इसी तरह फिस्कल डेफिसिट क्या होता था, फॉर्मूला है सीधा, टोटल एक्सपेंडिचर जहां पे एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आएगा, माइनस रेवेन्यू रिसीट जहां पे रिसीट में फिर से टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों आएगा, माइनस नॉन डेट रिसीट ऑफ कैपिटल रिसीट, ठीक है, ठीक है, नॉन डेट डेट रिसीट में आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा ये देखो सारा, तुम टोटल एक्सपेंडिचर 80 है, इतना तक तो हमको पिछले क्वेश्चन में ही मिल गया था। अब यहाँ पे देखो दो टर्म है 34 माइनस 32, जाके देखते हैं क्या है ये हमारा 34 माइनस 32। देखो 34 माइनस 32 है। अब देखो जब हम लोग यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट का बात करते हैं, तो जो हमारा बोरोइंग है, ठीक है, जो हमारा बोरोइंग है, वो बोरोइंग मतलब क्या होता है कि अभी तो हम लोग बोरो कर लिए, ठीक है। अब देखो जब बोरो कर लिए तो इस साल वो हमारा घाटा नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा इस साल हमारा घाटा, क्योंकि इस साल तो हमारे पास वो पैसा आ गया है ना, तो इसीलिए जब हम लोग घाटा की बात करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे इसको माइनस कर दिए। माइनस करने का क्या मतलब, माइनस करने का यही सेंस हुआ कि जब ये अल्टीमेटली ये माइनस 34 सॉरी ये जब माइनस 34 माइनस 32 को जब तुम ओपन करोगे तो माइनस 34 प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट नहीं है इस साल के लिए, क्योंकि इस साल हम लोग बोरो कर लिए, बाद के लिए होगा, क्योंकि इसको इस साल बोरो कर लिए तो इसको हम लोग प्लस में दिखाना है, इसीलिए माइनस माइनस में करके ये तुम्हारा ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब इतना फॉर्मूला में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा लेंदी है, बट इसको देखो फॉर्मूला याद है बेटर है बेस्ट है। जब भी फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो या फॉर्मूला के अलावा कुछ और दे दे तो वहां पर क्या करो, लॉजिक लगाओ। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दोनों तुम्हारा दिया हुआ है, फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है, सॉरी फिस्कल डेफिसिट दिया नहीं हुआ है, फिस्कल डेफिसिट अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, अब माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 20 दिया हुआ है, दोनों को घटा दो 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होता है, बट पूरा लॉजिक से बनता है। क्या बोलता है कि ये हमारा टेबल दिया हुआ है, हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे, देखो ये हमारा गिवन है, टेबल क्या बोल रहा है हमको, ये सब हम लोग है कि अभी एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, फिर अब एक और एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम किया, अब दो यूनिट कंज्यूम कर लिए, अब तीन यूनिट कर लिए, अब चार कर लिए, पांच यूनिट कंज्यूम कर लिए। जब हम एक यूनिट कंज्यूम किए तो मेरा टोटल यूटिलिटी था 50, मार्जिनल कितना था 50, क्योंकि 0 से 1 पे आए तो जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वही होगा मार्जिनल यूटिलिटी। अब जब एक यूनिट में एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके अब जब दो यूनिट पे आ गए तो हमारा टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 90,
तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी यूनिट क्या होता है? टोटल यूनिट ऑफ टोटल यूटिलिटी ऑफ टी प्लस वन माइनस टोटल यूनिट ऑफ टी। मतलब बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी प्लस वन, ठीक है। तो अगर सेकेंड का सेकेंड गुड जब कंज्यूम हुआ तो कितना मार्जिनल यूटिलिटी हुआ, ये हमको कैसे पता चल जाएगा? ये हमको ऐसे पता चलेगा कि भाई जब पहला यूनिट कंज्यूम किए थे तो 50 यूटिलिटी था, अब जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा टोटल यूटिलिटी बढ़ के 90 हो गया, तो एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितना है मेरे पास? 40, क्योंकि 90 माइनस 50, तो इसीलिए हमारा एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 40, विच इज 90 माइनस 50। ये टी यहाँ पे देखो, टी अगर यहाँ पे टी इक्वल टू वन हम लोग पुट कर देते तो टी हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड गुड चाहिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी इक्वल टू वन मतलब वन प्लस वन, तो टोटल यूटिलिटी में भी वन प्लस वन माइनस टोटल यूनिटी ऑफ वन, टोटल यूटिलिटी ऑफ वन, तो ये क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ टू माइनस टी वन। अब देखो ये हमको निकालना है, यही तो निकालना था ना कि जब सेकेंड गुड कंज्यूम होगा तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, तो ये कितना होगा? टी यू टू क्या है हमारा? 90 माइनस टी यू वन क्या है हमारा? 50, इसको माइनस कर दो 40 हो गया। अब इसी बेसिस पे तुम देखो टेबल बनते जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोल दिया कि जब थर्ड यूनिट कंज्यूम किए तो भाई अब एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितना आया मेरे पास? 30। तो अभी तक टोटल यूटिलिटी मेरे पास कितना आ गया था? 90 आ गया था। थर्ड यूनिट जब कंज्यूम किए तो 30 और एक्स्ट्रा यूटिलिटी आ गया, तो 90 में 30 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। अब देखो जब चौथा यूनिट कंज्यूम किए तो अब देखो यहाँ पे 120 हम लोग का टोटल यूटिलिटी हो गया था, अब जब चौथा यूनिट कंज्यूम किया तो 140 यूटिलिटी हो गया बढ़ के, तो इसका मतलब जब ये जो फोर्थ यूनिट जब कंज्यूम किए तो मेरा यूटिलिटी कितना बढ़ा? मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ? 140 माइनस 120 यानी 20, 140 माइनस 120। उसी तरह टेबल फिर फिल करो, जब चौथा से पांचवा किए तो हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ के 140 से 155 पे आ गया, तो हमको एक्स्ट्रा कितना मिला? 155 माइनस 140 यानी 15 यूनिट, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये एक इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद करो। देखो किसी भी गुड का प्राइस अभी 13 रुपया है, कंज्यूमर कितना क्वांटिटी खरीदा है? 11 खरीदा है। जब प्राइस 15 हो गया, जब प्राइस इज इक्वल टू 13 था तो कंज्यूमर कितना खरीद रहा था? 11। जब पी नॉट इज इक्वल टू 13 था तो क्यू नॉट कितना था? 11। जब प्राइस बढ़ के हो गया 15, कंज्यूमर कितना खरीद रहा है अभी? अभी फिर देखो 11 ही यूनिट खरीद रहा है, ठीक है। तो प्राइस कितना भी बढ़ घट रहा है, कंज्यूमर जो है 11 ही यूनिट खरीदते जा रहा है। अब देखो तो बोलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे हमारा क्या क्या गिवन है? 13 से बढ़ के 15 हुआ तो डेल्टा पी क्या निकला? P1 माइनस P यानी 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2, और क्वांटिटी पहले भी 11 था अभी भी 11 है, तो डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी क्या हुआ? 11 माइनस 11 इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। सब कुछ हमको पता है, पी क्या है हमारे पास पाला? पी 13 है, 13 पुट करो। क्यू क्या है पाला? 11 है, 11 पुट करो। डेल्टा क्यू क्या है? 0, 0 पुट करो। और डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी 2 पुट करो, ये मल्टीप्लाई करो, 1 0 है तो टोटल 0 हो जाएगा। मतलब जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा 0 निकला, तो जब 0 निकलता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब तुम कितना भी प्राइस घटा बढ़ा दो, हम अपना कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द 3 फेजेज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का 3 फेज पूछता है। 3 फेज क्या होता है? एक जहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, जैसे जैसे तुम मार्जिनल प्रोडक्ट तुम्हारा तब बढ़ता है जब तुम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाओगे, फिर एक समय के बाद तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट जो है स्टेबल हो जाता है और फिर घटने लगता है। तो पहले तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद स्टेबल हो जाता है और उसके बाद डिक्रीजेज। तो ये देखो जैसे जैसे यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट हम लोग बढ़ा रहे हैं, टीपीपी हमारा 10 से 12 हो रहा है, 30 हो रहा है, 35 हो रहा है, 40 हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? पहला यूनिट में तो कुछ नहीं है, 0 है। 10 से बढ़ के 22 हुआ, मार्जिनल 12। 22 से बढ़ के 30 हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट 8। 30 से बढ़ के 35, मार्जिनल 5। और 35 से बढ़ के 30 यानी -5 घट गया। अब जब घट गया है तो अब ये तीनों फेज को हम लोग समझेंगे एक एक करके। देखो पहला फेज में जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमारा था 10 से 12 हो गया था,
तुम देखो ये वाला जो हमारा पहला फेज था यहाँ पे ब्लैंक है, इसको 10 भी लिख ही सकते हो क्योंकि पहला जब प्रोडक्ट होता है तो मार्जिनल और टोटल सेम ही होता है। तो जब पहला फेज में देखो वेरिएबल वन से टू तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट जो बढ़ता है वही फेज वन होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर यूज, एमपी टेंड्स टू राइज एंड टीपीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट होता है वो भी बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट। दूसरा केस में देखो क्या हो गया, 12 से अब घट के मार्जिनल हो गया 8, फिर घट के हो गया 5। इस केस में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ता है बट मार्जिनल प्रोडक्ट घटते जाता है। तो इन दिस सिचुएशन ये यही हमारा फेज टू का डेफिनेशन था, एमपीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड टीपीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। टीपीपी जो है हमारा टोटल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, वो इंक्रीज तो करता है बट रेट ऑफ इंक्रीज जो होता है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है वो घट जाता है। ये सब हमारा सारा थियरी का पार्ट है, जाके देखना फिर से। और ये लास्ट पॉइंट है जहां पे हम लोग पढ़े थे ग्राफ में भी, हम लोग समझे थे कि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है तो इन दिस फेज टीपीपी फॉल्स, क्योंकि जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए तुम्हारा तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी घटने लगता है, ठीक है। तो यही हमारा टीपीपी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब देखो इसमें ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है, ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म फेसेस मार्केट प्राइस इक्वल टू 15 रुपया मार्केट प्राइस चल रहा है, डेराइव इट्स टोटल रेवेन्यू शेड्यूल फॉर द रेंज ऑफ आउटपुट फ्रॉम 0 to 10। आउटपुट 0 से बढ़ के 1, 1 से 2 से बढ़ते बढ़ते 10 हुआ, प्राइस है 15 ही रुपया है। तो बोलता है कि टोटल रेवेन्यू शेड्यूल क्या होगा, टोटल रेवेन्यू का हम लोग कैसे निकालते, तो प्राइस इंटू आउटपुट, सिंपल सा बात है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू। यहाँ पे देखो आउटपुट 0 है तो 0 से 15 को मल्टीप्लाई करो 0, P into Q, price into quantity, 15 into 1, 15, फिर दूसरे में 15 into 2, 30, 15 into 3, 45, 15 into 4, 60, इस तरह करते करते ये हमारा टोटल रेवेन्यू शेड्यूल निकल गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा ग्राफ भी बना लेते हैं, देखो ठीक है, ये हम थोड़ा सा ऐसा ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी बढ़ता है हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ता है और वो टोटल रेवेन्यू कर्व हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये हमको पता है। अब देखो जब हम लोग का क्वांटिटी एक था तो हमारा क्या था प्राइस, तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या था 15, ठीक है। फिर जब क्वांटिटी दो हुआ प्राइस क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू क्या हो गया 30, फिर जब तीन हुआ टोटल रेवेन्यू 45। तो ये सब कोऑर्डिनेट इस तरह से करते जाओ और ये हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। और टोटल रेवेन्यू का जो ग्राफ का जो स्लोप था वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हम देखे थे क्या रहता है, प्राइस, ये हम लोग पढ़े थे। क्योंकि ये जो हमारा स्लोप क्या होता है, इसको क्वांटिटी से जब तुम डिवाइड करते हो तो टोटल रेवेन्यू का स्लोप हमेशा प्राइस होता है। तो ये हमारा स्लोप क्या हो गया, प्राइस 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंडीशन टू में बोल रहा है सपोज द मार्केट प्राइस इंक्रीजेस टू 17, मार्केट प्राइस बढ़ के 17 हो गया तो नया टीटीपी कर्व क्या होगा और विल द न्यू टीटीपी कर्व बी फ्लैटर और स्टीपर। तो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, आउटपुट तो वही है, 0 से बढ़ के 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, प्राइस अब सबका 17 रुपया हो गया। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये 0, 17 इंटू 1 17, 2 इंटू 17 34, 3 इंटू 17 51, ऐसे से होते। अब देखो तुम ग्राफ भी बना के देख सकते हो और सिंपल सा ये भी समझ सकते हो कि भाई जब ग्राफ का जो स्लोप है वही प्राइस है तो पहले प्राइस 15 था तो स्लोप 15 होगा। अब जब हमारा ये जो नया ग्राफ जो बन रहा है इसका स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस क्या होता है 17, तो ये कर थोड़ा ऐसा ज्यादा स्लोप रहेगा क्योंकि ये प्राइस इज इक्वल टू 17 है। तो जब ग्राफ इस तरह का रहता है स्लोप बहुत हाई रहता है जिसको बोलते हैं स्टीपर। तो बेसिकली दो तरह का कर्व होता है, एक होता है स्टीपर और एक होता है फ्लैटर। तो जब इस तरह का ग्राफ हो तो बोलते हैं ये ग्राफ काफी फ्लैट है, बट इसके कंपेरिजन में अगर ग्राफ इस तरह से मतलब स्लोप बहुत ज्यादा है तो बोलते हैं स्टीपर और स्लोप जब कम हो तो बोलते हैं फ्लैटर। तो देखो इस केस में हमारा प्राइस इज इक्वल टू 15 था और दूसरे केस में हमारा प्राइस इज इक्वल टू 17 हो गया, तो हमारा कर्व जो है वो फ्लैटर होगा या स्टीपर होगा, स्टीपर होगा क्योंकि स्लोप बढ़ गया, देखो स्ट्रेट की तरह आ गया। तो इसीलिए टीटीपी कर्व विल बी स्टीपर स्ट्रेट लाइन एज दी वन इन परफेक्ट कंपटीशन। पहले के केस में हमारा ग्राफ अब क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। अब देखो एक जो हमारा अब थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन तुमको पूछता है उसमें तुमको एक्सप्लेनेशन का जरूरत पड़ता है, इस टाइप का भी मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। अब इसका सबसे अच्छा बात यह कि जो भी एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा ना वो डायरेक्टली थियरी से रहता है। तो जो भी लेक्चर सेशन में हम लोग अभी तक कवर किए, जो भी क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट पूछेगा और जो भी लेक्चर में जो जिस तरह से हम एक्सप्लेन किए एकदम वही आंसर ही रहता है, उसमें कुछ अलग रहता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बट फिर भी
तो लेक्चर सेशन सारा देखो, और उसके अलावा एक जस्ट एक मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहे हैं, और बाकी इस क्वेश्चन में सारा न्यूमेरिकल था, ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेसिकली। क्या बोलता है, इन परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर डिस्कस। ये क्या पूछ रहा है, ये देखो डायरेक्टली क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस किए थे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है, ठीक है। मतलब कि फर्म डिसाइड नहीं कर सकता है कि जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में फर्म वही प्राइस एक्सेप्ट करेगा, और इसीलिए वो प्राइस टेकर हो जाता है। जितना रुपया में आज कोई भी चीज बिक रहा है, अगर कोई नया फर्म प्रोडक्शन शुरू करेगा तो उसको उतना ही रुपया में बेचना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो बोलता है डिस्कस, और ये जो प्राइस है ये कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री। लेट्स से पेन का इंडस्ट्री है जहां पे 10 रुपया में बिक रहा है, तो कोई भी फर्म आएगा तो उसको 10 रुपया पे ही बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं प्राइस मेकर। इंडस्ट्री मतलब पूरा पेन का मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, और जो फर्म है उसको क्या बोलते हैं, प्राइस टेकर, क्योंकि फर्म आके उस मार्केट में अपना सामान बेचना चाह रहा है तो उसको वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग इस तरह से आर्ग्यू कर सकते हैं जब बोलता है डिस्कस करने के लिए, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि एज वी नो इन परफेक्ट कंपटीशन होमोजीनियस गुड, होमोजीनियस मतलब ऐसा गुड जो कि एकदम सेम गुड हो, होमोजीनियस गुड आर प्रोड्यूस। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस गुड प्रोड्यूस होता है जो कि एकदम सेम सिमिलर होता है। सो इंडस्ट्री कैन नॉट चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट फर्म। मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी भी एक इंडस्ट्री में अलग अलग फर्म अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा। सो इंडस्ट्री विल गिव दैट प्राइस टू द फर्म वेयर इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली यहाँ पे तुम इंडस्ट्री को मार्केट भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन है। तो ये मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है एक फर्म के लिए, वो वहां पे डिसाइड होता है जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। एनी मूवमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट विल बी अनस्टेबल। जैसे ही डिमांड एंड इक्वल डिमांड और सप्लाई के का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जब हम लोग ऐसे देखते हैं ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम होता है। इसके अलावा कहीं भी तुम पॉइंट पे जाओ वो अनस्टेबल होगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ही होता है जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है। जैसे ये वाला केस, ये हमारा इंडस्ट्री है, देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ये देखो, ये इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, पूरे मार्केट इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हम बता रहे हैं बार बार, ये जो टर्म है इंडस्ट्री और मार्केट, दोनों टर्म इस्तेमाल हो सकता है, दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। तुम भी इंटरचेंजेबली टर्म को इस्तेमाल कर सकते हो, क्वेश्चन में भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये देखो, मार्केट के पर्सपेक्टिव से डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से कैसे इक्विलिब्रियम डिसाइड होता था, याद करो वो ग्राफ जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता था। ये कर्व हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं कि एमसी इक्वल टू एमआर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल जो मार्जिनल इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। ये फर्म इस तरह से अपना इक्विलिब्रियम डिसाइड करता है, बट देखो उसी प्राइस पे करता है जहां पे मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है। मतलब मार्केट जो प्राइस डिसाइड कर दिया सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड के पर्सपेक्टिव से, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हुआ वहां पे मार्केट जो प्राइस डिसाइड कर दिया, फर्म को वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह एक डायग्राम बनाओगे और डायग्राम में अभी जो हम बात बोले सेम बात को लिख दोगे। तो अलग अलग आदमी का अलग अलग तरीके से लिखने का इस टेक्निक होता है। तो इसीलिए जो भी इस टाइप का क्वेश्चन हो उसमें आंसर याद नहीं करना है, क्योंकि याद करोगे तो इतना ज्यादा डायग्राम है कि तुम किसका किसका आंसर याद करोगे। इसीलिए आंसर याद नहीं करना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम याद रखना चाहिए। और डायग्राम से तुम क्या समझ रहे हो इसको तुम बस लिख दो, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इस अभी जो 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 बात बोले इस दोनों ग्राफ को एक्सप्लेन करके, उसी बात को तुम अपने वर्ड में लिख दो। और अब इस टाइप का इतना ग्राफ है, इतना तरह का क्वेश्चन इससे बन सकता है कि अगर तुम एक एक क्वेश्चन का एकदम पूरा एक एक रिटेन वर्ड याद करने जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए कंसेप्ट समझो और डायग्राम याद करो, डायग्राम समझो, डायग्राम प्रैक्टिस करो। हम रिकमेंड करेंगे डायग्राम खुद से कॉपी पे बार बार बनाओ, क्योंकि देखने में बहुत बार लगता है कि ठीक है ये तो बन जाएगा, बट जब तुम बनाते जाते हो तो कोई छोटा मिस्टेक हो जाता है और पूरा तुम्हारा डायग्राम गलत हो जाता है। तो डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करो और उसका आंसर अपने वर्डों में लिख दो। अब यहाँ पे इन द गिवन डायग्राम प्राइस एंड रेवेन्यू इज मेजर्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस, पहले दोनों ग्राफ को एक्सप्लेन कर दो। पॉइंट नंबर वन, क्या करो, ग्राफ बनाओ और एक्सप्लेन कर दो कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। बस ये पहला काम कर दो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है पहला काम क्या करना है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। तो प्राइस एंड रेवेन्यू इज मेजर्ड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को y बोलते हैं। तो देखो इस मार्केट के केस में प्राइस है वर्टिकल एक्सिस पे और फर्म के केस में रेवेन्यू है, और x एक्सिस पे क्या है, कमोडिटी। सो यूनिट ऑफ कमोडिटी ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, x एक्सिस जो है हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी, कमोडिटी। इंडस्ट्री या मार्केट विल गिव ओपी प्राइस और पॉइंट ई,
यहाँ पे इंडस्ट्री अपना जो है फिक्स कर दिया प्राइस बाय टू दी फर्म, जो कि फर्म को लेना पड़ा प्राइस, एज एट दैट पॉइंट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहां पे मार्केट में डिमांड इक्वल टू सप्लाई है इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में, इसीलिए ये प्राइस तुम्हारा इक्विलिब्रियम बन गया। द फर्म विल फॉलो द सेम प्राइस एंड चार्जेस सेम फ्रॉम द कंज्यूमर, अब एक बार जब प्राइस बन गया तो फर्म यही प्राइस चार्ज करेगा अपने कंज्यूमर को, इसी प्राइस पे बेचेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आंसर सेशन था। बेसिकली जो न्यूमेरिकल का डिफरेंट टाइप्स देखे, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहना, अलग अलग टाइप का यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस किए, बाकी भी तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहना, बार बार रिविजन करते रहना। थियरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थियरी समझो, थियरी समझोगे तभी न्यूमेरिकल ही बनेगा, थियरी समझोगे ग्राफ बनाओगे, ग्राफ को एक्सप्लेन कर दोगे, बस इकोनॉमिक्स यही है। सो थैंक यू, बाकी स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया।